क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। खास करके चितरंगी विधानसभा के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री डॉक्टर मिश्रा जी, हमारी मंत्रिमंडल की साथी श्रीमती राधा सिंह जी जोरदार तालियां बजाएं, हमारे नेताओं का, माननीय विधायक राम निवास साह जी आपका भी अभिनंदन है, राजेंद्र मेश्राम जी आपका अभिनंदन है, विश्वामित्र पाठक जी आपका भी अभिनंदन है, हमारे वरिष्ठ नेता कांत देव सिंह आपका भी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आपका अभिनंदन है, राम लल्लू वैश्य जी पूर्व विधायक आपका भी अभिनंदन है, सुभाष वर्मा जी पूर्व विधायक, अमर सिंह जी पूर्व विधायक, राम सुरिमन गुप्ता जी पूर्व विधायक आपका भी स्वागत है, और राम सुरिमन ये तो पूर्व विधायक ने जिला अध्यक्ष हमारे है, देवेश पांडे जी अध्यक्ष नगरपालिका, दिलीप शाह जी, राजकुमार दुबे जी, मंच पर बैठे सभी भाई बहन, सभी आमंत्रित अतिथिगण, आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबको भी बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज यहां चितरंगी के कार्यक्रम में जब मैं आया हूं तो ये अलग अलग भूमि पूजन लोकार्पण ये कार्यक्रम तो होते रहते हैं, इसमें हम आते रहते हैं, लेकिन आज तो आपसे शुद्ध बहनों से मिलने के लिए, बहनों का प्यार पाने के लिए आपको प्रणाम करने आया हूं, रक्षाबंधन की शुरुआत के लिए। कितना सुंदर पर्वती अपना सिंगरौली का ये जिला, और जिले की विशेषता है, भले ही अपने जीवन के दुनिया में कैसे भी माहौल हो, लेकिन आपके चेहरे का आनंद बता रहा है कि सच में आज आपको भी आनंद आ गया और मुझे भी आनंद आ गया, आपको प्रणाम कर रहा हूं। त्योहार हमारे लिए, लोग कहते हैं 12 महीना और 13 त्योहार, हमारी संस्कृति में त्योहार आधारित संस्कृति है, इसलिए हमारे देवी देवताओं का भी जयंती मनाते हैं, जो जन्मा है उसको जाना है, लेकिन जाने का कोई महत्व नहीं, हमारे आने के बाद हमारे हाथों से कितना अच्छा काम हो जाए, हमारा जीवन हमारे पुण्य कर्मों से मानव जीवन को धन्य करे, इसलिए देवता भी इस पृथ्वी लोक पे आने के लिए तरसते हैं, यह हमारा सौभाग्य है। और एक के बाद एक यह हमारी 6 ऋतुएं 12 महीने सारे त्योहार, और सारे त्योहार में लगातार एक के बाद एक त्योहारों की भी श्रृंखला देखो आप, क्या त्योहार है हमारा अपना, एक एक त्योहार, क्या मकर संक्रांति, तिल तिल करके दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, तो मकर संक्रांति हमारी सरकार बनने के बाद हमने धूमधाम से बहनों के लिए मकर संक्रांति का आनंद लिया, यह हमारी परंपरा है। दूसरा त्योहार हमने गुड़ी पड़वा का मनाया, जो नया साल 1 जनवरी का होता है, यह सरकारी कैलेंडर के लिए हो सकता है, लेकिन सच्चे अर्थों में नया साल हमारा गुड़ी पड़वा पे प्रारंभ होता है। फसल चक्र में 2 प्रकार के फसल का अलग अलग टाइम आता है, मार्च के महीने में अप्रैल के पहले सप्ताह में 10-5 दिन आगे या पीछे हमारा जब ऋतु बदलती है तब हमारा नया साल प्रारंभ होता है। इसके बाद अभी थोड़े दिन पहले गुरु पूर्णिमा गई, हमने धूमधाम से गुरु पूर्णिमा मनाई। अरे गुरु का अर्थ ही कैसा है, गुरु से, गुरु 2 शब्दों से मिलके बना है, गु से अंधेरा और रू से प्रकाश, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। हमारी अपनी संस्कृति में हमारे गुरुओं को प्रणाम करते हैं हम। दुनिया में कई देश हैं जो धनी हैं, ताकतवर हैं, और ताकतवर होना चाहते हैं, लेकिन वो दूसरे पे कब्जा करना चाहते हैं,
अपनी संस्कृति थोपना चाहते हैं। भारत के लोग ऐसे नहीं है। भारत के लोगों ने सपना देखा है कि भारत विश्वगुरु बने, हजारों हजार साल से दुनिया के अंदर मानवता की शिक्षा दे, जियो और जीने दो का एहसास कराए। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या ऊंचा, क्या नीचा, सबको लेके चलने का भाव एकमात्र किसी संस्कृति में है तो वो भारतीय संस्कृति में है। इसलिए हमारे कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। हमने तो सबके लिए सुख की कामना की है, इसलिए प्रत्येक त्योहार मिलजुल के मनाते हैं। क्या होली पे आनंद आता है, क्या कोई निकल जाए सड़क से कलर का एक थपका उसके ऊपर जो फेंकते हैं, ऐसा लगता है कि जिंदगी के सारे दुख भूल जाए और आनंद में डूब जाए। इसका नाम होली है, यह हमारी संस्कृति सिखाती है। और क्या होली और क्या दिवाली, हमारे लिए गरीब से गरीब आदमी घर के बाहर एक दीपक लगा करके इस अंधेरे मय संसार में उज्जवल प्रकाश की कामना करता है, जीवन में अच्छाई की कामना करता है, सबको लेके चलने का संकल्प लेता है। और त्योहार तो बहुत है, लेकिन ये सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई है, ये सावन का महीना जैसे ही चालू होता है तो हमारी बहनों के अपने खुद के अंदर और भाइयों के लिए परिवार में एक अलग ऋतु छा जाती है, एक अलग ही आनंद आता है। कैसे राखी आए और बच्चों सहित पूरा परिवार आनंद में डूब जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार इतना पवित्र त्योहार कि सारे त्योहारों का अगर कोई राजा है तो रक्षाबंधन का त्योहार हमारा राजा है। बहनों के माध्यम से दो धागे बनना कलाई पे, परिवार में माता पिता का अपने संतान पे अलग प्रेम होता है, लेकिन माता पिता के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रेम अगर भाई पे कोई लुटाता है तो बहन ही लुटाती है। बहन के माध्यम से उनकी जिंदगी धन्य होती है, यह हमारी परंपरा है। भाई की शादी भले हो जाए, भाभी घर में आ जाए, लेकिन बहन की आत्मा हमारे साथ लगी रहती है। भांजे भांजी के प्यार में वो अपने बच्चे भी भूल जाती है, ये हमारी संस्कृति है, इसका आनंद है। बहनों के लिए हमारी संस्कृति का कितना प्रेम है। एक परिवार की नहीं, बहन दोनों परिवार की जवाबदारी लेती है। जहां हमारा परिवार छोड़ती है, दूसरे परिवार में जाती बहन वहां भी ध्यान रखती है, यहां भी ध्यान रखती है। और हमारी संस्कृति में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपने बहुत सारे फोटो लगाए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए जिनके कारण से हमारी सरकार दिल्ली में बनी है। और ऐसी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहले मध्यप्रदेश के चुनाव में आह्वान किया था कि हां हमारी प्रदेश में सरकार बनाइए, मैं इस सरकार को डबल इंजन की तरह ले जाऊंगा। इसलिए एक नारा लगा था, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। हमें इस बात की प्रसन्नता है, जोरदार आशीर्वाद दीजिए हमारी उस सरकार को जिसने सरकार बनाने के समय घोषणा की कि हमारी बहनों के साथ आशीर्वाद लेके हम सरकार बनाएंगे। लाडली बहनों के लिए 1,39,00,000, बाप रे बाप, कोई कम होती है क्या? बहनों ने आशीर्वाद दिया तो छप्पर फाड़ के सरकार बनी। आपको सबको धन्यवाद देता हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। और जैसे आशीर्वाद मिला, कांग्रेस और उनके साथ वाले की हवा खराब, लाडली बहनों के लिए वो लगातार बोलते रहिए ये बंद हो जाएगी योजना, ये चलाएंगे नहीं, केवल चुनाव के लिए आए। अरे तुम बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, हमारी योजना चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, बहनों के खाते में पैसे आते रहेंगे।
अभी आपके सामने ही हमने कहा था कि 1250 तो देंगे, लेकिन इस बार रक्षाबंधन में और चार चांद लगेंगे। हमने कहा 1250 तो है ही, लेकिन 250 रुपए और भी मिलेंगे, 250 रुपए प्रत्येक बहन के खाते में आने वाले हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे पैसे कहां से लाओगे, लुटाओगे लुटाओगे। हमने कहा तुम तो मर्जी आज जो बोलते रहो, ये हमारी बहनें हैं, पूरी सरकार भी देना पड़े तो बहनों के लिए हमारे मन में कोई पश्चाताप नहीं है। हमारी बहनों की इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है, अरे बहनों की सशक्तिकरण के लिए। अरे 250 रुपए से अगर बहन के हाथ में 10 तारीख को चले जाएंगे तो गरीब से गरीब बहन भी आनंद से रक्षाबंधन मनाएगी, कोई मिठाई लाएगी, कोई राखी लाएगी, कोई आनंद से धूमधाम के अपने भाई के पास जाएगी। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बजाओ ताली तो दिल खोल के बजाओ मालूम पड़ जाए। और खाली इतना ही नहीं, हमने तो कहा कि उज्ज्वला गैस में भी जिन बहनों को कनेक्शन मिला, एक बार फिर मोदी जी का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन होना चाहिए, जिन्होंने गरीब से गरीब आदमी के घर में भी बहनों को चूल्हे फूकने में जो आंखें खराब होती थी उससे मुक्ति दिला करके सबको उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया। और गैस की टंकी महंगी पड़ती थी तो हमारी सरकार ने 450 रुपया प्रति बहन के लिए आश्वासन दिया है, आप अपने बच्चों का भरण पोषण करें, पूरे परिवार में गैस का चूल्हा जलाए। 450 रुपया प्रति गैस की टंकी सरकार आपका पैसा भरेगी, यह हमारी सरकार ने तय किया है। और केवल उज्ज्वला नहीं, लाडली बहनों ने भी जिनके नाम से गैस का कनेक्शन था, जिस दिन पंजीयन हुआ है, तो ऐसी बहनें दोनों प्रकार की उनके लिए भी 450 रुपया प्रति टंकी सरकार पूरा पैसा देगी। अरे हमारी बहनों के जीवन में अगर हम मदद करते हैं तो गलत क्या है? अभी तो और आगे हमने कहा है कि ये जैसे हम धीरे धीरे सरकार बढ़ाते जाएंगे, सारे छिंगरौली, सीधी, रीवा, पन्ना सब दूर उद्योग लगा रहे हैं, और उद्योगों में भी हमारे लिए शर्त अधिकारियों से कहा है कि हमारे उद्योग रोजगार आधारित होना चाहिए, बहनों को भी कारखाने में काम करने की जगह होना चाहिए। अरे दो पैसे उनके घर में आएंगे तो वो इज्जत से घर को चलाएगी। अभी खाली खेती से काम नहीं चलता, खेती के अलावा भी आमदनी होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार के रहते अगर हमारी बहनों की जिंदगी अच्छी हो जाए तो गलत क्या है? मैं आज आपने चितरंगी नगर पंचायत बनाने का धन्यवाद दिया है, जोरदार ताली बजाओ, आपकी नगर पंचायत चितरंगी बनाने की घोषणा की गई थी, आज वो बना दी गई है। जो जो बातें हमारी सरकार में संकल्प पत्र के माध्यम से कही थी, एक एक घोषणा का पालन किया जाएगा। मुझे प्रसन्नता है, अभी यहाँ पे हवाई पट्टी पे आपने कहा कि इस एयरपोर्ट पे हवाई जहाज चलाने के लिए अभी सप्ताह में एक दिन चल रहा है, आने जाने के साधन नहीं है और जल्दी जाना है भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, तो हमने कहा आज के बाद सप्ताह में 3 दिन हवाई जहाज चलाने की आज से घोषणा कर रहे हैं। हमारी सरकार ने तय किया है, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बड़ी बात नहीं है, गरीब से गरीब आदमी भी अगर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए और उसको और बीमार ज्यादा हो जाए और कोई कारण से जबलपुर ले जाना है, भोपाल, दिल्ली, बंबई ले जाना है, और गरीब आदमी है, कोई साधन नहीं है, तो हमारी सरकार ने तय किया है उसके लिए भी कलेक्टर और डॉक्टर अगर कहेंगे कि इसको हेलीकॉप्टर भेजो, हम हेलीकॉप्टर भेजेंगे, लेकिन उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार करेगी।
अरे हेलीकॉप्टर बड़ा है कि व्यक्ति की जान बड़ी है? व्यक्ति की जान बचाना यह सरकार का काम है, हमारा काम है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारी सरकार ने कहा जो भी खर्चा है आयुष्मान कार्ड में उसका नाम होगा, एक पैसा नहीं लगेगा उसका, और व्यक्ति की जान बचाकर हम पहुंचाएंगे। यह हमारी सरकार ने तय किया है। बरगवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 बेड का हॉस्पिटल है, इसको 50 बेड का हॉस्पिटल बनाने की भी हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया है। 15 करोड़ की राशि से 50 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। चितरंगी के अंदर जितने मजरे टोले हैं जहां बिजली नहीं है वहां भी बिजली लगाने की घोषणा मैं यहीं से करता हूं, कोई मजरे टोले बिना बिजली के नहीं रहने वाले हैं। विद्युतीकरण के लिए सीएसआर फंड से 50 करोड़ स्वीकृत करने की यहीं से घोषणा करता हूं, ये लाभ भी आपको मिलने वाला है। आपने माइनिंग कॉलेज चालू हुआ है तो माइनिंग कॉलेज भी सिंगरौली के अंदर बनाने की घोषणा करता हूं, ताकि खदान आधारित पढ़ाई आपके यहां बच्चे पढ़े और उनको रोजगार मिले। अभिनंदन करो जोरदार सरकार के इस निर्णय का, जिसके माध्यम से हमारे बच्चों को पढ़ने के बाद तुरंत नौकरी मिलेगी, तुरंत काम धंधा मिलेगा। आज तो समय कम है, मुझे बार बार पर्ची आ रही है, मौसम बहुत खराब है। मैंने कोशिश की थी, जो वादा किया कि चितरंगी आऊंगा, हेलीकॉप्टर चलाने वाले ने 4 बार कहा साहब मौसम बहुत खराब है हम नहीं जा सकते। हमने कहा कुछ भी हो जाए बहनों के बीच राखी बंधाने जा रहा हूं, भगवान भी आशीर्वाद देंगे, कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है कि और अगले अवसर पर आकर के आप बहन जी कुछ कह रही है, जो आप कहोगी मंत्री बनाया आपका और 5 साल के लिए मंत्री बने, जो आप मांगोगी सब कुछ मिलेगा। जोरदार ताली बजा हमारी मंत्री जी के लिए। आपने कहा तहसील कॉलेज, बहन जी आपको मंत्री बनाया है, जो आप मांगोगी सब मिलेंगे, हमारे लोगों के लिए कोई तकलीफ नहीं है। सिंगरौली जिला अत्यंत किनारे का जिला है, विकास की बहुत संभावना है, लेकिन आप चिंता मत करना, आपका भाई जब आप बुलाओगे सबसे पहले कहीं आएगा। जैसे आज हमने शुरुआत की है लाडली बहना की, तो सबसे पहले बॉर्डर के सिंगरौली जिले से कर रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे भाई बहन दूर भी है तो क्या है, ये तो हमारे ही, इनसे प्रेम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बार बार पास पास में तो जाना होता है, लेकिन ऐसे दूरस्थ अंचल में भी विकास के कोई मामले में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। मेरी अपनी ओर से यहाँ बैठे मंच पे सभी माननीय मंत्री, सांसद, विधायक, सरपंच, पंच, 10 तारीख तक लगातार ये कार्यक्रम चलाना है, और 10 तारीख के दिन पूरे प्रदेश में एक साथ 25,000 ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, और उसी कार्यक्रम में हमारी बहनों के लिए रक्षाबंधन के दरमियान झटके के साथ 25,000 जगह बहनों के खाते में 1500 रुपए आएंगे, ताकि रक्षाबंधन के 10 दिन पहले वो अपने पैसे का उपयोग कर सके। ये सरकार का निर्णय है। आज तो जितनी बहनों से प्यार मिला है, हाथ अपने, लोग कहते सीधे हाथ में बंधाओ, मैं कहता भगवान ने 2 हाथ दिए और हजारों बहने दिए, तो एक हाथ में कब तक बांधेगी। हमने कहा दूसरा भी बांधो, कोई काट के थोड़ी फेंकेंगे, हाथ तो अपने ही हैं, बहनों का प्यार मिलना चाहिए। इसलिए आप सबने प्यार दिया, प्रेम दिया, आपको प्रणाम करता हूं, और ये मान के चलता हूं इतनी बड़ी राखी, अरे जोरदार ताली बजाओ, क्या राखी लाए आप अपनी रक्षाबंधन के दिन
जब सगे अपने भाई को राखी बांधोगी, तिलक लगाओगी, तो मैं समझ लूंगा उधर तिलक लगा कि मुझे तिलक लग गया, ये प्रेम आपका मिल गया, मैं एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा, ये प्रेम आपका बना रहे। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, लाडली बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि वे आभार पाती माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करें। और मैं प्रीता कुमारी गुर्जर और पूर्णिमा गुर्जर से निवेदन करूंगा कि वे आभार व्यक्त करने के लिए डायस पर पधारें।